नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस आजकल। पंजाब में आज अपनी मांगों को लेकर 13,000 अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही कई टीचर्स ने इस मौके पर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने सरसर सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ने वायदा किया था कि उनको पक्का किया जाएगा, लेकिन सरकार के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया। प्रदर्शन कर रही अध्यापिकाओं का कहना है कि उसने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर 2 घंटों में कोई हल ना निकाला गया तो वह खुदकुशी कर लेंगे, परंतु 2.5 घंटे का समय बीतने पर भी जब प्रशासन ने कोई हल नहीं निकाला तो उसने सल्फास खा ली। अध्यापिका का अभी इलाज अधीन है। इसके साथ ही बाकी अध्यापक शिक्षा सचिव पंजाब के दफ्तर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पेट्रोल की बोतलें लेकर चढ़ गए हैं। इसके बाद अध्यापकों ने अचानक हमला बोल दिया और वह शिक्षा सचिव के मुख्य गेट की तरफ बढ़े, जहां पुलिस ने उनको रोक लिया। इस दौरान आपस में काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई। यह सभी अध्यापक पिछले 18 सालों से काम कर रहे हैं और इनको 6,000 से लेकर 10,000 रुपये तक वेतन मिल रहा है। इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है।